Hey everyone, hope you all are doing good and safe. Anyways, it's been a month since I talked to you all, so I really apologize for the inconvenience. As we all are students and just busy in our normal life, moreover, welcome back to my channel Secret Glamplet. Mehmu Banshi, and I hope today's video will be helpful for you all. So without any further delay, let's start the video. तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, उस प्रोडक्ट के माइनस पॉइंट्स क्या हैं, एंड इट्स प्राइस और इट्स वर्थ बाइंग और टोटली वेस्ट ऑफ मनी. एट द एंड मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड एंड हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखिए. मैं एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करती चलूँगी. अगर वीडियो को आधा देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए हो सके तो. एंड मे भी हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, सो प्लीज़ डोंट माइंड. सो गाइज, गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम इज़ अ पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो कि ईजिली इंडियन मार्केट में अवेलेबल है ऑन डिमांड. तो मुझे इसके साथ एक वाइटनिंग सोप भी रिसीव हुआ था, जिसकी आउटर पैकेजिंग कुछ येलो वाइटिश काइंड ऑफ है, और इस पर मेंशन है कि ये फॉर एक्ने एंड ऑयली स्किन है. The soap contains pea extract, is a natural ingredient which helps in whitening of skin. Also, जो इसके ingredients हैं वो sodium palmitate, preservatives, titanium dioxide and so on. तो ये है soap की packaging. बात करूँ क्रीम की पैकेजिंग, तो मैंने इसका डब्बा फेंक दिया है, सॉरी गाइज. तो मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी, आप उसे देख लेना. तो इसका जो डब्बा है वो आपको गोल्डन येलोइश काइंड ऑफ डब्बा आपको मिल जाएगा. उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ नेम इंग्लिश में मेंशन है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स उसमें उर्दू में लिखी हैं, तो कुछ भी समझ पाना बड़ा मुश्किल है. इवन उसमें प्राइस भी आप नहीं देख पाएंगे. तो मैं बता दूं, मुझे दोनों कंबाइन 350 रुपीज़ में पड़े थे. एंड सोप की बात करूँ तो सोप अंदर से कुछ इस टाइप का दिखता है, येलो सा टेक्स्चर है इसका. तो सोप कुछ येलोइश काइंड का है. एंड जो ये क्रीम है उसका ये जो डब्बा है, इनसाइड व्यू है ये इसका. साइड वाइज आपको एक प्लास्टिक की कवरिंग मिल जाती, तो वो भी मैंने हटा दी है. और अंदर बात करूँ तो एक सर्कुलर कैविटी में आपको ये क्रीम मिल जाएगी. तो इसका जो टेक्स्चर है क्रीम का, सी इसका टेक्स्चर थोड़ा सा थिक है, इवन स्टिकी है. और एक और चीज़, इसे एब्जॉर्ब करने में काफ़ी टाइम लगता है. तो आफ्टर अप्लाइंग आपको कुछ टाइम के लिए आपको फैन के सामने बैठना है, ताकि आपकी स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाए. अब बता देती हूँ इस क्रीम को आपको कब, कैसे और कितना लगाना है. तो कब की बात करूँ तो आपको रात को इसे अप्लाई करना है. सबसे पहले आपको सोप से अपना फेस वॉश लो और फिर इस क्रीम को अप्लाई करो. उसके बाद फैन के सामने बैठ जाओ, ताकि ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में. काफ़ी टाइम लेता है एब्जॉर्ब होने में. और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इसे रात में लगाना है. काफ़ी कम क्वांटिटी आपको इसकी लेनी है, फेस पर डॉट डॉट करके लगाना है, एंड अपनी फिंगर्स की हेल्प से आपको ब्लेंड कर लेना है. गाइज, तो इस प्रोडक्ट के प्लस पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं. तो इसके प्लस पॉइंट्स कुछ चंद हैं और टेम्पररी हैं. पहला तो ये कि अगर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है या फिर फेस पे डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, तो ये उसको काफ़ी हद तक ठीक कर देता है, लेकिन सिर्फ जब तक आप इसे यूज़ करते हैं. आफ्टरवर्ड्स सब कुछ नॉर्मल है, इवन इससे भी ज़्यादा बेहतर है. तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स नेगेटिव पॉइंट. तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं काफ़ी सारे हैं और परमानेंट हैं. अब मैं बता देती हूँ कि जब आप इसे लगाना छोड़ दोगे, उसके बाद आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी कि आप कुछ भी फेस पर नहीं लगा पाओगे. हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा स्किन का पूरी तरह से, जिसे दोबारा से रीऑर्डर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. मेरी क्योंकि सेंसिटिव स्किन है, मैं उन सारी प्रॉब्लम से फेस कर रही हूँ आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रोडक्ट ऑन माई फेस. तो इस प्रोडक्ट का रिव्यू मेरे साइड से तो ऐसा ही था. अब मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट है, जब तक आप अप्लाई करेंगे तब तक आपकी स्किन में 2 शेड्स लाइटर आपको रिजल्ट देगा. आफ्टरवर्ड्स सब कुछ नॉर्मल है, आपकी स्किन की सेंसिटिविटी के चांसेस ये और भी ज़्यादा बढ़ा देगा. तो अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए इज इट वर्थ बाइंग और टोटली वेस्ट ऑफ मनी। तो मेरे लिए तो ये प्रोडक्ट अ बिग नो है। मेरे लिए तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा वर्क नहीं किया था, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये प्रोडक्ट अगर मेरे लिए वर्क नहीं किया तो आप लोगों के लिए भी नहीं करेगा, बट स्टिल मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को इसके रिव्यू दे रही हूँ। अब लेट्स टॉक अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि मेरे फेस पे डार्क स्पॉट हो गए थे और मैं बहुत इनसिक्योर हो गई थी कि क्या हो गया है, कैसे ठीक होगा। तो ऐसे ही कंसल्ट करते करते मुझे भी इस प्रोडक्ट के बारे में पता चला और मुझे बताया गया कि ये प्रोडक्ट उसके लिए तो बहुत अच्छा काम किया। तो मैंने सोचा पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो शायद मेरे लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा, कुछ तो असर दिखाएगा, पर सच में इसने बहुत ही ज़्यादा असर दिखाए हैं और जो कि अभी तक असर मुझे दिख रहे हैं इसके। तो इसके बाद तो मेरी स्किन टोटली और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी, इसीलिए मैं सारी नेचुरल चीज़ों पे स्विच ऑन कर चुकी थी। इसीलिए मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था कि केमिकल्स की तरफ इतना ना जाएं, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम्स तो ठीक करते हैं, साथ ही साथ नई प्रॉब्लम्स आपकी स्किन में कॉज कर सकते हैं। एक और चीज़ बता देती हूँ आपको कि आफ्टर स्टॉप यूजिंग दिस प्रोडक्ट फेशियल हेयर्स की भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए, एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए या फिर सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये प्रोडक्ट टोटली हार्मफुल है। तो ये था मेरे साइड से इसका रिव्यू। एंड गाइज रिमेंबर दिस कि इस वीडियो को बनाने का मोटिव या फिर इंटेंशन मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी भी प्रोडक्ट को डीवैल्यू करूं। इट्स जस्ट कि मैं आप लोगों तक एक ट्रू और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना चाहती हूं जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। सो अगर आपने कभी इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है तो फील फ्री टू शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद मी बाय कमेंट डाउन मी बिलो। ऑल्सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट करके ज़रूर जाना कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो हेल्पफुल रही हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो यार दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे हेल्दी।